एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पर ये दो डेक मैं यूज़ करूँगी आपके पर्सन की एनर्जी चेक करने के लिए और उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट एक्शन। तो शुरू करते हैं गाइस, सबसे पहले हम देखेंगे उनकी करंट सिचुएशन, फिर हम देखेंगे उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। कुछ लोग बोल रहे थे कि मैम आपके कुछ वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं आते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मेरे जो टाइम है, जिस टाइम पे मेरे वीडियोस आते हैं, वो सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे के बीच में आते हैं और उसके बाद रात को इस चैनल पे 7:30 बजे से 9:30 बजे के बीच में आते हैं या 9:45 बजे के बीच में आते हैं। तो इस दो टाइम लिमिट के अंदर आप चाहें तो आके चेक कर सकते हैं अगर नोटिफिकेशन नहीं भी आया है तो, क्योंकि यूट्यूब की ये पॉलिसी होती है कि वो पूरे दिन में 1-2 वीडियोस के नोटिफिकेशन देते हैं, बाकी वीडियोस को वो नोटिफाई नहीं करते हैं व्यूवर्स को। तो मैंने उनसे पूछा था बट उन्होंने यही बोला है कि नोटिफिकेशन हो सकता है कि जाए, हो सकता है ना भी जाए, तो फ्लक्चुएट कर सकता है। तो आप इस टाइम लिमिट में इस चैनल पर आके वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपके पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। क्या एनर्जीज हैं अभी इस वक्त आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में, क्या चल रहा है, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स विद क्वीन ऑफ वांड्स, ओके, फाइव ऑफ पेंटिकल्स विद किंग ऑफ सोर्ड्स, एक कपल आ गया है यहाँ पे, किंग एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, फोर मोर कार्ड्स। आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या है अभी इस वक्त? टू मोर कार्ड्स, दो कार्ड और एंजल्स, करंट एनर्जी, लास्ट कार्ड, ओके, वाह, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है लास्ट की और बॉटम की एनर्जी उससे भी खूबसूरत है। चलिए, देर आए दुरुस्त है। तो यहाँ पर देखिए, 7 की सिंक्रोनिसिटी बहुत स्ट्रांग है। कल रात को मैंने एक रीडिंग डाली है एस्ट्रो विद एम सिंह में, उसमें भी कमिंग 7 डेज की एनर्जी है, थंबनेल में ही लगाया मैंने, क्योंकि कल 7 की साइन थी वहाँ पर और बहुत स्ट्रांग साइन थी और आज यहाँ पर भी 7 की साइन है। मतलब 7 दिन, आने वाले 7 दिन के अंदर काफ़ी लोगों के लाइफ में कुछ मिरेकुलस चेंजेस होने वाले हैं, स्पेशली लव लाइफ में। कैसे चेंजेस होंगे ये तो भगवान जाने, प्रभु जाने, बट यहाँ पर एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पर जो बताना चाह रहे हैं एंजल्स वो ये है कि अगर आपके पर्सन और आपके बीच में आपकी फैमिली या उनकी फैमिली किसी की तरफ से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था तो वहाँ पर बात बन जाएगी। वहाँ पर ज़्यादातर चांसेस हैं कि या तो बात बन जाएगी या तो आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड लेंगे। कुछ चीज़ें सडन चेंज होंगी बिकॉज़ यहाँ पर है द लॉर्ड ऑफ शेडोज़, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें सडन चेंज होंगी, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है। आपके पर्सन की लाइफ में वो आपके प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड नज़र आ रहे हैं इस वक्त, मतलब उन्हें काफ़ी अंदर से ये क्रेव हो रहे हैं, या आप कह सकते हैं कि उनको अंदर से उनका इंट्यूशन उनको प्रमोट कर रहा है उनकी एनर्जीज़ को कि आप जाओ बात करो या जाओ स्टैंड लो या तुम्हें तो लेना ही है स्टैंड, फियर से बाहर निकलो, इस तरह की एनर्जी है। प्लस अगर आप में से कुछ लोगों के पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं है बट स्टिल यहाँ पर पैसे की प्रॉब्लम नज़र आ रही है, करियर वाइज या तो सेटल नहीं है या तो अभी शादी के लिए बहुत जल्दी है, इट विल टेक टाइम, उनको ऐसा लग रहा है कि मैं इतनी जल्दी शादी करके कहीं गलती तो नहीं कर रहा या नहीं कर रही, मुझे अपने करियर पर थोड़ा टाइम देना चाहिए,
कंफ्यूजन थोड़ा बहुत किसी न किसी तरह का है आपके पर्सन के माइंड में, लेकिन ओवर एंड ऑल जो एनर्जी है वो ये है कि आपके पर्सन दूर की सोच कर देख रहे हैं कि अगर हम साथ होंगे तो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, चीज़ें आगे चल के सही तरीके से एडजस्ट होंगी। बॉटम की एनर्जी है 111 विद नंबर 4, तो यहाँ पर जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग 111 की एनर्जी है, 111 की एनर्जी अगर हम देखें तो न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, और साथ ही साथ है 4 of Wands, फ्रूटफुल रिजल्ट नज़र आ रहा है बॉटम से आपके साथ इस रिश्ते में, बहुत ही प्यारी एनर्जी है बॉटम की। और बॉटम की एनर्जी के पहले यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत कार्ड है, दैट इज़ द चैरियट विद 7 of Chalices, चैरियट का नंबर 7, 7 of Chalices के साथ, मतलब आप में से बहुत सारे लोगों का डिवाइन यूनियन नज़र आ रहा है। आपके पर्सन कंफ्यूज ज़रूर हैं लेकिन ये आपकी तरफ लौट कर आएंगे, आपको मैसेजेस कर सकते हैं, कॉल्स कर सकते हैं, कोई डिसीजन ले सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी कॉन्टैक्ट में हैं तो आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देने से रिलेटेड कोई बड़ी बिग न्यूज़ आपके सामने, आपको कोई सरप्राइज़ दे सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, जैसे सडनली बोलना कि फैमिली से मिलेंगे, या सडनली आपको अपने परिवार से मिलवा देना, इस तरह की बिग न्यूज़ आपके साथ हो सकती है। देखते हैं करंट फीलिंग्स। आपको लेकर आपके पर्सन के दिल दिमाग में क्या है, करंट फीलिंग्स प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। द गार्डन विद सेल्फ रिस्पेक्ट, डेटिंग, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन विद चिवेलरी, वन मोर कार्ड, लास्ट कार्ड, कौन आना चाहता है, द डिस्टॉर्टेड फेमिनिन। बॉटम ऑफ द डेक है स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। तो यहाँ पर गाइज जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग आप में से बहुत सारे लोगों के पर्सन डिस्टॉर्टेड एनर्जी में हैं, ये समझ में आ रहा है। डिस्टॉर्टेड एनर्जी क्या होती है, अगर कोई पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपसे फिजिकली रिलेशन रखना चाहे बट कमिटमेंट ना दे, या आपके साथ सिर्फ फ्लर्ट करे और आपके साथ सीरियसनेस ना शो करे, आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसको हिडन रखे, सोसाइटी में बताने से डरे, फैमिली में बताने से डरे, या बहुत ज़्यादा रन करे, आपको इग्नोर करे, ब्लॉक करे, तो आप में से काफ़ी लोगों के पर्सन इस वक्त इस तरह की एनर्जी में हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, चाहे वो मैस्कुलिन एनर्जी में हो, फेमिनिन एनर्जी में हो, मेल फीमेल की एनर्जी हो सकती है। लेकिन आपके पर्सन को धीरे धीरे ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि ये रिलेशनशिप सिर्फ इमोशनल बॉन्डिंग तक सीमित नहीं रहेगा, ये रिलेशनशिप असेंड हो रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे इस रिलेशनशिप में जो गहराई है वो मैच्योरिटी तक जा रही है, और वो जो मैच्योरिटी है वो आपको कमिटमेंट तक ले जाएगी। मतलब कि कई बार होता है कि रिलेशनशिप में आ तो जाते हैं बट सीरियस नहीं होते, सोचते हैं कि चलो थोड़ा टाइम पास करेंगे, बातचीत करेंगे, शादी कौन इतनी जल्दी है करने की, फिर धीरे धीरे रिलेशनशिप में आ जाते हैं, धीरे धीरे क्लोज होने लगते हैं, धीरे धीरे अटैचमेंट होने लगती है, फिर धीरे धीरे डिटैचमेंट होने लगती है, धीरे धीरे कुछ अच्छे कुछ बुरे वक्त साथ में गुजारते हैं, उस दौरान काफ़ी रिलेशनशिप टूट जाते हैं, काफ़ी रिलेशनशिप उसमें भी साथ में रहते हैं, एक दूसरे के बॉन्ड दुख में सुख में दोनों का एक्सपीरियंस लेने के बाद लोग जान जाते हैं कि यही वो पर्सन है जिसके साथ मुझे अपनी लाइफ आगे कंटिन्यू करनी है। तो कुछ लोगों के रिलेशनशिप तो यहीं पे दम तोड़ देंगे, क्योंकि ये चीज़ें यहाँ पर करंट फीलिंग से निकल कर आ रही कि आपके पर्सन अगर सिर्फ इसलिए आते हैं कि आपसे टाइम पास कर सकें, बातचीत कर सकें या रिलेशनशिप रख सकें, बट कमिटमेंट के नाम पर या हिडन रख रहे हैं रिलेशनशिप को, या सिर्फ ऑन एंड ऑफ चल रहा है, तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप जानें कि क्या आप जिस पर्सन के साथ हैं वो लॉयल है, डेडिकेटेड है, क्या वो सच में सीरियस है। और अगर आपको अंदाज़ा है कि वो पर्सन आपके लिए सही है, सीरियस है 100%, तो आप समझ लें कि वो रिश्ता आपका आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा और आपको कमिटमेंट मिलेगी ही मिलेगी, उसमें नो डाउट है। आपके पर्सन की फीलिंग्स यही हैं, ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, ये धीरे धीरे असेंड हो रहे हैं, पास्ट की जो गलतियां हैं उसको भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हें धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि ये रिश्ता
इतना आसान नहीं है तोड़कर मूव ऑन कर लेना, बहुत टफ है, और ये आपके तरफ किसी तरह का जेस्चर देने की सोच रहे हैं। सो दिस इज़ द करंट फीलिंग्स जो कि यहाँ से निकल कर आई है। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है आपकी तरफ, आपके पर्सन का अगला कदम क्या होगा। फाइव कार्ड्स, प्लीज गाइड कर एंजल्स। आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है, देखिए फिर सेवन नंबर से रीडिंग की शुरुआत हुई है, सात नंबर आफ्टर मेजर अरकाना, सेवन नंबर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। गॉड नोज़ बार बार सेवन नंबर आ रहे हैं, तो आने वाले सात दिन में क्या होने वाला है, बट स्टिल वेट फॉर सेवन डेज। ओ जस्ट अ सेकेंड, कुछ ब्लॉकेजेस हील होते नज़र आ रहे हैं आपके आपके पर्सन के। अगेन वी हैव गॉट सेवन नंबर हैंग्ड मैन। आपके पर्सन डिसीजन लेने वाले हैं किसी स्टक सिचुएशन से बाहर आने का। कुछ लोगों के पर्सन से रिलेटेड विशेस पूरी होने वाली है, मतलब कोई ऐसा एक्शन लेंगे जिससे आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। लेट्स क्लैरिफाई सम कार्ड्स। सेवन ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है एंजल्स? आपसे अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स और बहुत सारी चीज़ें आपके पर्सन हाइड कर रहे हैं, छुपा रहे हैं, ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। बिकॉज़ वी हैव गॉट द यूनिवर्स कार्ड, और यूनिवर्स की जो एनर्जी है यहाँ पर, ये आपको बता रही है कि आपके पर्सन आपके साथ एक कनेक्शन तो फील कर रहे हैं लेकिन ये हाइड कर रहे हैं। इंट्यूशन इनको आपकी तरफ भेजना चाह रहा है, बट ये अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर रहे, इसलिए आया है ये कार्ड। और कुछ लोगों के लिए कार्मा साइकिल जो है वो कंप्लीट होने वाली है यहाँ पर। बहुत सारे लोगों की जो डेस्टिनी में है वो चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। आगे चल के लव लाइफ में न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, लव लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सॉर्ट आउट होने की एनर्जी है। तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं नंबर सेवन के साथ। क्या स्टक सिचुएशन से बाहर निकलेंगे आपके पर्सन? सफरिंग में हैं, जहाँ भी ट्रैप्ड हैं खुश नहीं हैं, लेकिन आपके पर्सन इमोशनली उन सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे। एट एट की एनर्जी है, जो भी कर्मा है, जो भी इनको ट्रिगर मिल रहा है, उस सिचुएशन से बहुत जल्द बाहर निकलेंगे। बाहर निकलने की एनर्जी है, साथ में चैरियट का कार्ड है, आपके तरफ लौट कर आने की एनर्जी है। मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। नंबर 9-6 अवेकनिंग बहुत स्ट्रांग है। मैंने 9-6 पे वीडियो बना रखी है, ज़रूर देखिएगा। एंजल नंबर्स पे आई थिंक तीन चार वीडियोस अब तक आ चुकी होंगी, तो मैंने एंजल नंबर 6-9 और एंजल नंबर 9-6 दोनों पे वीडियो बना दी है। क्या मीनिंग है आप समझ जाइएगा उस वीडियो से। और यहाँ पर एंजल नंबर 9-6 आया है। आप में से बहुत सारे लोगों के पर्सन अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, काफ़ी पॉजिटिव डिसीजंस आने वाले टाइम में हो सकते हैं। जो भी चक्र ब्लॉकेज है वो हील होंगे, काफ़ी सडन चेंजेस आपको, नोटिसेबल चेंजेस दिखेंगे। होप रखिए, पॉजिटिव रहिए। सो आने वाले सेवन आवर्स सेवन डेज कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो सकते हैं, और कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलने वाली है। देखते हैं एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। रोमांस, ओके, रोमांटिक लाइफ से रिलेटेड ही बताना चाहते हैं। ऑफ कोर्स आपके लिए जो सेकंड कार्ड है वो है नॉट द राइट टाइम। अच्छा, मतलब आपको कुछ चीज़ें वॉर्न करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ट्रस्ट की एनर्जी है, लेट गो करने की एनर्जी है। अच्छा, अगर आप दोनों में किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, किसी तरह की बहस हो रही है, तो लेट गो कीजिए। सही समय नहीं है इस वक्त अपनी चीज़ें बिगाड़ने का, स्पेशली रोमांटिक लाइफ से रिलेटेड। अगर आपकी रोमांटिक लाइफ अभी ठीक चल रही है, बात हो रही है, तो उसको इस टाइम पे मत बिगाड़िएगा, क्योंकि यहाँ पर जो पावर्स आपके लिए काम कर रही हैं वो आपको ये कह रही है कि डिवाइन पर ट्रस्ट रखें, लेट गो करें। छोटे मोटे झगड़े की वजह से अगर आप इस वक्त अपनी जर्नी ख़राब करेंगे तो चीज़ें रिपेयर करने में फिर आपको टाइम लग सकता है। लिसन टू योर इंट्यूशन, रिमेन पॉजिटिव, अपने आप को पॉजिटिव बना के रखने की कोशिश कीजिए, पॉजिटिव रहिए।
सो यहाँ पर एक वार्निंग मैसेज दिया है एंजल्स ने कि ये 7 दिन में स्पेशली आने वाले 7 दिन जो ये चल रहे हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1 मार्च जुपिटर वीनस और मून जो हैं एक ट्रायंगल शेप फॉर्म करने वाले हैं और ये जो एनर्जी है ये काफ़ी लोगों को इफ़ेक्ट करेगी, ठीक है। और ये जो एनर्जी इफ़ेक्ट करेगी ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे में भी कर सकती है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव वे में भी कर सकती है। तो आपको पॉजिटिव ही रहना है और इस वक्त छोटे मोटे बात पर बहस करके रिएक्शन नहीं देना है। तो पॉजिटिव रहिए, होपफुल रहिए। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।